हेलो फ्रेंड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें यह है नोटिफिकेशन नंबर थर्टी सेवन बाई टू थाउजेंड जिसकी डेट है ट्वेंटी अप्रैल इस नोटिफिकेशन में कहा गया है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ल्टई सेक्शन वन की पावर यूज़ करते हुए रीड विद रूल नाइन क्लोज सी ऑफ रूल नाइन एंड रूल ट्वेंटी फाइव ऑफ सी जी एस टी रूल मेड वाइट नोटिफिकेशन नंबर थर्टी वन बाई टू थाउजेंड नाइनटीन तो रूल नाइन का क्लोज सी और रूल ट्वेंटी फाइव जो कि नोटिफिकेशन नंबर थर्टी वन के द्वारा बनाए गए थे एक बार हम नोटिफिकेशन नंबर थर्टी वन ओपन कर लेते हैं ये नोटिफिकेशन नंबर थर्टी वन है और ये नोटिफिकेशन हमें क्या कहती है इसे पहले हमें रीड करना होगा तभी हम उस नई नोटिफिकेशन को समझ पाएंगे इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ट बाय सेक्शन 164 तो यहाँ पे सेक्शन 164 की पावर यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कुछ रूल्स अमेंड किए थे दिस रूल में भी कॉल्ड सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स फोर्थ अमेंडमेंट रूल इन्हें कहा गया है और कहा गया है कि ये कब से इफ़ेक्टिव होंगे जब ये हमारे ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो जाएंगे तो हमारी नई नोटिफिकेशन बात करती है रूल नाइन क्लोज सी की तो रूल नाइन और क्लोज का क्लोज सी हमारी जो ये नई नोटिफिकेशन है जो अट्ठाईस अप्रैल को आई है ये कहती है कि जो रूल नाइन क्लोज सी एंड रूल ट्वेंटी फाइव जो है नोटिफिकेशन नंबर थर्टी वन बाई टू थाउजेंड नाइनटीन के द्वारा लाया गया

सब क्लोज सी हमें कहता है आफ्टर सब रूल ट्वेल्व विद इफेक्ट फ्रॉम डेट नोटिफाइड लेटर द फॉलोइंग सब रूल शेल बी इंसर्टेड तो क्लोज सी कहता है कि सब रूल ट्वेल्व के बाद एक सब रूल थर्टीन जो है इंसर्ट किया गया है और ये क्या कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस इन फॉर्म जी एस टी पी एम टी जीरो नाइन तो यहाँ पर ये जो रूल नाइन का क्लोज सी है उसमें सब रूल थर्टीन जो इंसर्ट किया गया है वो कहता है कि अगर आपने किसी रॉन्ग हेड में जो है अमाउंट डिपोज़िट करा दिया है तो आप उसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे अब करेक्ट हैड में थ्रू जी एस टी पी एम टी जीरो नाइन मान लीजिए आपने गलती से एस जी एस टी डिपॉजिट कर दिया है कैश लेजर के अंदर आपका आ गया है तो आप उसे आ, आपको आई जी एस टी पे करना था तो आप उसे अब करेक्ट हैंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं तो ये था हमारा रूल नाइन सब क्लोज यूज उसके बाद रूल ट्वेंटी फाइव जो यहाँ पर है रूल ट्वेंटी फाइव बात करता है कि, कि किस तरीके से ये जो फॉर्म है ये हमारा काम करेगा तो चलिए रूल ट्वेंटी फाइव हम देख लेते हैं ये आपका फॉर्म जो है जी एस टी पी एम टी ज़ीरो नाइन यहाँ पर अटैच है यहाँ पे आपको जो है जी एस टी एन नंबर एंटर करना है लीगल नेम ट्रेड नेम ए आर एन डेट ऑफ़ ए आर एन और उसके बाद इस तरीके से आपको अपनी अमाउंट एंटर करनी है जिस अकाउंट से आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फिल करने हैं मेजर हेड माइनर हेड अमाउंट अवेलेबल जो आपके पास अवेलेबल अमाउंट है उसके बाद नेक्स्ट आपके जो कॉलम्स हैं उनमें आपको एंटर करना है अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र जो अमाउंट आप जिस हेड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये था हमारी जो चेंजेस आए थे साथ ही इसमें था कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे मेजर हैड रेफर्स टू इंटीग्रेटिड टैक्स सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स माइनर हैड रेफर टू टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड द फॉर्म मे बी फिल्ड अप इफ अमाउंट ऑफ वन मेजर हैड एंड माइनर एज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर टू अनदर मेजर हैड एंड माइनर हैड माइनर हैड फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट मे बी सेम और मे बी डिफरेंट तो माइनर हैड कैन बी डिफरेंट द अमाउंट फ्रॉम वन माइनर हैड कैन बी ट्रांसफर टू अनदर माइनर हैड अंडर द सेम मेजर हैड तो यहाँ पे इसको फिल करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे इसकी भी डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है आप रेफरेंस के लिए उसे देख सकते हैं तो ये थे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो किए गए थे इस नोटिफिकेशन नंबर थर्टी वन में जिन्हें नोटिफाई कर दिया गया है हमारी इस नई नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन नंबर थर्टी सेवन रूल माइन क्लोज सी की अमेंडमेंट साथ ही रूल ट्वेंटी फाइव जो है वो गवर्न करता है हमारे पी एम टी जीरो नाइन को तो दोनों ही रूल इफेक्टिव हो गए हैं ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी से थैंक यू फॉर वॉचिंग